नमस्ते, राज रतन रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर गोभी और शलजम का अचार दो तरीके से। और पहला तरीका है कि भाई मैं उबाल के कैसे बनाया जाता है तो मैं वो बताती हूँ। पहले शलजम और गाजर ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पीस करके मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उसे काटना है, फिर थोड़ा सा पानी उबाल के और उसे उबाल के एक बाल उसमें देना है और बाहर निकालना है। ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि ज़्यादा उबालने से अचार जल्दी तैयार तो हो जाता है लेकिन लंबे समय नहीं चलता। इसलिए आप कच्चा डालेंगे तो वो बहुत लंबे साल भर चलता है। इसलिए मैं आपको दोनों विधि से बताऊंगी। मैंने आधा किलो गोभी लिया है, 3 पाव शलजम लिया है, 1 किलो गाजर लिया है। तो ये तीनों चीज़ मैंने इस तरह की मात्रा में लिया है। गाजर को काटती हूँ, ये मैं 2 टुकड़े में कर रही हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं काटना, इस तरह लंबा पीस करना है इस तरह। और ये इस तरह पतले पतले काटने, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले, इस तरह काटना है। अब इसको ऐसे पतला पतला काटना है, ये इस तरह तरीके से, ये इस तरह काटने हैं पतले पतले। उसमें बहुत अच्छा इस तरह कटता है और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह का अचार। ये चीज़ें, ये शलजम है, मैं शलजम को इस तरह काट रही हूँ। जो अंदर से वाइट वाइट निकले, फुसफुसा बोलते हैं जिसको, जो जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वाइट वाइट होने लग जाता है इस टाइम में, और तो इसलिए उसे निकाल देना चाहिए, उसका टेस्ट नहीं होता। इसको भी इसी तरह लंबे लंबे पीस में हमें काटना है, इस तरह लंबे लंबे पीस में फिंगर की तरह काटना है, इस तरह। बहुत अच्छा बनता है इस तरह का अचार। भी काटना है, ये वो भी काटना है, इसे ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने, इस तरह का करना है पीस, ये इस तरह करो और इसके साथ 2 भाग इस तरह। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करना और ना ही ज़्यादा छोटे करना, ताकि चूरा हो। अब ये लहसुन है, छिला हुआ है, और इसको ऐसे भाग करके ये डालना है, 2 कट लगाना है। छोटा है तो ऐसे ही डाल दो और बड़ा है तो 2 कट लगा दो। और अदरक भी ऐसे ही स्लाइस में, लंबी लंबी स्लाइस में काटना है, कम से कम इसका आधा काट के डालना है। अदरक को भी ऐसे ही स्लाइस में काटना है इस तरह, और लंबा लंबा, बहुत अच्छा लगता है ये, जब मुंह में आता है खाने में और गलने के बाद बहुत टेस्टी लगता है इस तरह। ये दिखाती हूँ आपको, इस तरह बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल इस तरह का बारीक बारीक हो जाएगा ये। ये देखिए, इस तरह बारीक बारीक काटना है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें उबाल के बनाना है तो इस पानी में 2 किलो पानी लो, 3 किलो लो, आपके हिसाब से सब्जी जितनी होगी। मैंने 1 किलो 2 किलो पानी लेना है और उसमें उबालना है, और उबाल के एक भाप देना है और बाहर निकाल देना है। लेकिन मैं उबाल के नहीं बना रही, मैं कच्चा बनाऊंगी। मैं सिर्फ इसको सारी सब्जी को धो के और 2 घंटे के लिए धूप में ढक के सुखा दूंगी, ताकि मिट्टी विट्टी ना जाए उड़ के, तो मैं 2 घंटे के लिए इसे सुखा दूंगी। ये सारी चीज़ सामान तैयार करके मैं 2 घंटे बाद आपको मिलती हूँ। गाजर गोभी सूख गए हैं, मैं नीचे ले आई हूँ। अब मैं बनाती हूँ मसाला। ये दोनों खट्टे मीठे के लिए भी है और चटपटे के लिए भी यही मसाला है। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई है, और ये मैं रोस्ट करके हल्का सा पीस के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। अभी 2 मिनट में हो जाएगा ये। खुशबू आने लगेगी और उसके बाद इसको तुरंत दरदरा सा पीस लेना है। अब ये भुन चुका है, थोड़ा सा चटक रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें मैंने कलौंजी नहीं डाली है, कलौंजी हम साबुत डालेंगे। ये मैंने पीस लिया ये मसाला,
दरदरा, और ये ठंडा करके पीसना है मिक्सी में, पीस लिया। अब बनाते हैं, तेल गरम करते हैं। अब तेल गरम करने के लिए रख दिया है मैंने, आधा किलो तेल लिया है क्योंकि मेरा सामान ज़्यादा है इसलिए। तेल गरम हो गया है और इसको तेल को सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना इसलिए मैं थोड़ा ही पकाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अदरक डालती हूँ इसमें, फिर जीरा, ये लहसुन डालती हूँ, जीरा मेरा भुना हुआ है। फिर उसके बाद हम डालते हैं हींग, हींग डालते हैं, फिर डालते हैं काली मिर्च, धनिया ये आधी चम्मच कलौंजी। अब डालते हैं हम इसमें ये गाजर और ये सारी चीज़ें, गाजर, गोभी, शलजम, तीनों चीज़ डाल रहे हैं इसमें। ये मैंने अच्छी तरह 2 घंटे खूब धूप में सुखा लिया है इसलिए इसमें पानी नहीं है और मैंने उबाला नहीं है। उबाल के जल्दी सी गल तो जाता है, बन भी जाता है जल्दी, लेकिन लंबे समय नहीं चलता वो, ज़्यादा गल जाता है फिर कच-कच जो एक मज़ा आता है क्रश का वो नहीं आता उसमें, इसलिए मैं ये कच्चा ही डालती हूँ। इसमें ये मसाला मिला रही हूँ मैं, अब मैं इसमें और मसाले डालती हूँ। अब इसमें डालते हैं जो पीसे थे, जो मेथी, सौंफ और राई ये सब पीसा था, तो इसमें डाल रहे हैं ये। उसके बाद डालते हैं भुना जीरा, उसके बाद डालते हैं थोड़ा सा आधी चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। उसके बाद डालेंगे हम 2 चम्मच वाइट नमक। उसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच भर के हल्दी। उसके बाद डालेंगे हम 1-2 चम्मच धनिया। ये हमारा मसाला डल चुका है और लास्ट में डालेंगे हम इसमें सिरका। अब इसे मिला के और ठंडा करके इसको अपने कांच के बर्नी में, कोई भी बर्तन आपके पास हो उसमें डाल सकते हैं, इस तरह मिलाना है। और अगर आपको गुड़ डालना है, अगर आपको गुड़ डालना है तो ये सब्जी डालने से पहले उस गुड़ को उसमें पका लें और पकाने के बाद फिर सब्जी डाल दें। अब डालते हैं हम इसमें सिरका, ये मिल चुका है सिरका, वाइट सिरका डाल रही हूँ 1 कप भर के। ये 1 कप नहीं है अभी, और है, और लाऊंगी, आधा कप है, आधा कप और डालूंगी इसमें मैं, ठीक है। अब मैंने ये और सिरका ले लिया है, अब ये भी इसमें ही मिलाने हैं, यानी कि 1 कप मिलाना है सिरका। और राई जरूर डालें, राई से ही खट्टा होता है ये ज़्यादा, और सिरके से। और इसको दबा दबा के जब ठंडा हो जाएगा तो इसे ठंडा करके जार में दबा के भरना है, अगर खुला खुला भरेंगे तो हवा पास होएगी और जल्दी ख़राब होएगा। अब हमने ये गैस बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, अब बंद करते हैं। ये अचार ठंडा हो गया है, मैं जार में भर रही हूँ, ये कांच की बोतल है और साफ और सूखी हुई है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें अचार निकालते वक्त भी और डालते वक्त भी चम्मच गीली ना हो, गंदे हाथ ना हो, और नहीं तो अचार खराब हो जाता है। अब डालते हैं,
ये इस तरह दबा दबा के करना है, खुला खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि दबाओगे तो ये बहुत थोड़ा टाइम लेगा बनने में, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और जल्दी खुला छोड़ दोगे तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा ये। इस तरह टाइट हाथ से नीचे दबाना है और फिर छोड़ना है। मैंने अचार बनाया है मिक्स वाला, आप चाहें इसमें गुड़ डाल सकते हैं, सेम मसाले होते हैं सब कुछ, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च का अचार अलग बना रखा है, इसलिए मैंने नहीं डाला। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और यही कह सकती हूँ अपने दोस्तों को शेयर करना, ज़रूर ध्यान रखना और वीडियो को पूरी देखना। नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय, बाय बाय, गुड लक।